देखिए, सीधी सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि नया बिहार, रोजगार उन्मुख बिहार, जीविका दीदी हो, आशा कर्मी हो, रसोईया हो, उनके सरोकार, समान काम समान वेतन, 10 लाख नौकरी, अस्पताल जो बदहाल हैं, जो शिक्षण संस्थान बिल्कुल अपना अपनी गुणवत्ता का मामला खो चुके हैं, ये सरोकार थे बिहार के। इस पर कभी नहीं बोले माननीय नीतीश कुमार जी। जब लोगों ने इस पर सवाल भी पूछे तो उस पर नाराज होने लगे, डांटने लगे। तो उससे क्या आशय हुआ बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को लगा, जो बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते थे कि संभवतः वो थक गए हैं, थकन, उबाऊपन वो उनके पर्सनालिटी का हिस्सा हो रहा, और आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं संन्यास ले रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये इसके बाद कोई भी जो सफाई आती है वो रफू और डैमेज कंट्रोल में कामयाब नहीं होगी। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। चिराग पासवान ने इस बात को लेकर के कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को सत्ता में लाने में मदद करेंगे। देखिए, किसी की मदद से तेजस्वी जी महागठबंधन सत्ता में नहीं आ रहा। अगर किसी की मदद से आ रहा तो बिहार के आम मतदाता की मदद से। हर जाति का जो दायरा था वो टूट गया है इस चुनाव में। किसी की मदद से नहीं, बिहार के सरोकार की वजह से, बिहार की ऊर्जा की वजह से, बिहार की एक जो यर्निंग है, जो चाहत है, जो आकांक्षा है नव बिहार की, उसकी मदद से मैं समझता हूं महागठबंधन सत्ता में आ रहा है। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों के नाम से पन्ने का पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने विकास की बात की है और कहा है कि मैं बिहार के विकास के नारे में अस्वस्थ हूं, मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए नीतीश कुमार सरकार की आवश्यकता है कि बिहार में विकास नीतियों के लिए कोई रुकावट न हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र को बहुत गौर से पढ़ा। पत्र उतना ही खोखला है जितने खोखले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए। बिहार, आपके नीति आयोग आपका कहता है कि बिहार और बिहारियों के कारण देश पिछड़ा हुआ है, तो विशेष राज्य का स्टेटस देने में दिक्कत क्या है प्रधानमंत्री जी? पलायन के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान, जो हमारी माँ बहन सूटकेस पे बच्चे को लेकर के, उसके लिए एक अदद शब्द तो होता कि मुझे दुख है कि मुझे जो मदद करनी चाहिए थी लॉकडाउन के दौरान बिहार के प्रवासी मजदूरों की मैं नहीं कर पाया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो हुआ उसके लिए दो शब्द प्रधानमंत्री जी बोलते। 10 लाख नौकरी जिसने बिहार के युवाओं में एक ऊर्जा भर दी है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी चुप है। तो प्रधानमंत्री जी, खत जो है ना, एकांगी नहीं होना चाहिए, सर्वांगी होना चाहिए, और आपके खत में एकांगीपन बहुत है। एक मैं समझता हूं कि हारी हुई लड़ाई के बाद जो फेयरवेल लेटर लिखा जाता है, आपने उस तरह का खत लिखा है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल गए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आपसे आग्रह है कि तिमूर को, कांग्रेस को उखाड़ फेंकें, भाजपा को सोनार बांग्ला बनाने में मदद करें। आमार सोनार बांग्ला, ये काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियां हैं जो बांग्लादेश में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने बंगाल में है। पहले तो बंगाल के मानस को अमित शाह जी को, गृहमंत्री जी को समझना होगा। बंगाल हिंसा का मानस नहीं है, बंगाल ने मोहब्बत की जुबान दी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से हैं। जिस दिन आपके लोगों ने विद्यासागर जी की मूर्तियां तोड़ी थी ना, उस दिन ही लग गया था कि आप बंगाल को सोनार बंगाल नहीं, न जाने क्या बनाने पर आमादा है। हालांकि हमें बहुत शिद्दत से आपका इंतजार बिहार में था, आप आए नहीं। हर बिहारवासी पूछता है कि माननीय गृहमंत्री जी ने बिहार आने से क्यों मना कर दिया। ममता बनर्जी ने अमित शाह को बाहरी करार देते हुए उन्हें संघीय ढांचे को बाधित नहीं करने की चेतावनी दी। देखिए, संघीय ढांचा या जो सहकारी संघवाद है, जो प्रधानमंत्री जी अक्सर भाषण में कहा करते हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल की कार्यशैली में सहकारी संघवाद नाम की कोई चीज हम नहीं देख रहे हैं। और नतीजे में आप देख सकते हैं कि आज जितने भी उनके सहयोगी थे, वो सहयोगी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से ही कहानी शुरू हुई, फिर आप पंजाब में देख रहे हैं, अब आप देखते रहिए नीतीश जी कितने दिन साथ हैं, क्योंकि एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो मंशा है ना कि पूरे देश में चाइना की तरह सिंगल पार्टी मेजोरिटेरियन रूल की, इस मंशा को त्यागिए। हिंदुस्तान का मिजाज समंदर वाला है, नदियां समाहरित होती हैं, आप इसे तालाब बनाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि शांति हासिल करने के लिए युद्ध की गंभीरता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, शांति हासिल करने के लिए युद्ध की गंभीरता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह शब्द से ज्यादा भाव इसके परिलक्षित होने चाहिए। अगर मैं अप्रैल के महीने से डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बयान देखूं, चाइनीज बॉर्डर के बरक्स इतना विरोधाभास। प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को
उसी महीने के समर्थया जून के महीने में उन्होंने कह दिया कि एक इंच नहीं। फिर बाद में डिसएंगेजमेंट डीएस्केलेशन की बात हो रही है। ये जो परस्पर विरोधाभासी चीजें हैं ना, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गंभीर दिक्कत हमारे जवानों में नहीं है, उनकी प्रतिबद्धताओं में नहीं है, दिक्कत उन आलिशान कमरों में है जहां से कूटनीति तय होती है या नहीं होती है।